हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस की स्टडी पॉइंट में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका एनसीईआरटी का ट्राइग्नोमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री फॉर इलेवंथ क्लास का देखिए एक्सरसाइज 3.3। आपको बता दूं 3.1 और 3.2 में प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको चाहिए कि आपको ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल पूरा आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से बनाएं और याद किस तरीके से करें। ओके, तो चलिए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। देखें, सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज में देखिए कि हमें ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं और उनकी एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, देन एक साइड से दूसरी साइड भी हमें प्रूव करनी है। ओके, तो चलिए चलते हैं। टेकिंग LHS हम क्या करने वाले हैं, इस जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे ले लेते हैं। हमने ये वाली साइड ले ली। हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वेयर पाई बाई सिक्स को हम 30 कहते हैं, प्लस कॉस स्क्वेयर इसे पाई बाई थ्री को हम 60 कहते हैं, माइनस टेन स्क्वेयर पाई बाई फोर को हम 45 कहते हैं। तो अब मैं देखूंगा ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल में इनका वैल्यू जो है वो है इसका 1/2, और इसका जो वैल्यू है वो भी 1/2 है, देन इसका जो वैल्यू है वो है 1। ये वैल्यू है, अब मैंने इसे ब्रेक डाउन किया तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, यहाँ -1 हो गया। जब मैंने इनका एलसीएम लिया तो 4 आएगा, यहाँ पर 1 + 1 - 4, देन ये 4 है। जब मैंने किया तो -2/4 और 2 से ये गया तो आपका आएगा -1/2। तो ये है आपका RHS, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सबसे पहले देख लेते हैं। टेकिंग LHS, यानी कि हमें वही करना है, LHS ले लेते हैं 2 sin² π/6 प्लस cosec है भाई, cosec स्क्वेयर इसे मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई सिक्स। ओके, यहाँ लिख सकता हूँ cos स्क्वेयर पाई बाई थ्री, यानी मैंने LHS ले लिया, इसे लिख दिया है। अब क्या करने वाला हूँ, 2 sin² π/6 प्लस इसे कुसेक को लिखेंगे कुसेक स्क्वेयर पाई बाई सिक्स। ओके, यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वेयर पाई बाई थ्री। यहाँ पर देखें तो 2 sin² π/6 तो पाई बाई सिक्स होता है 30, और 30 की अगर वैल्यू देखूँ तो 30 की जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है 1/2। तो जब मैं 1/2 का स्क्वेयर करूंगा तो यहाँ पर होल स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस जब मैं कुसेक की बात करूंगा तो यहाँ पर कुसेक का होगा 2, क्या होगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर किया तो यहाँ हो जाएगा, एंड कॉस की तो यहाँ पर देखें तो 2 × 1/4 प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा 2 × 4 / 1/4, यहाँ प्लस है, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो वैल्यू मिलेगी वो आपको यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाए, ये 4 कट जाएगा, तो ये वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1/2 + 1, ये वैल्यू आपको मिलेगी, और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3/2। ये ही है आपका राइट हैंड साइड। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू देख लेते हैं। टेकिंग LHS cot स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस cosec को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई सिक्स। ओके, इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस 3 tan² π/6 इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो देखें cot की वैल्यू आपके पास है क्या, cot 30 की वैल्यू आप देख पाएंगे कि जो tan 30 की वैल्यू होती है वही cot 30 की होती है। cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cos/sin, अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप इन दोनों की वैल्यू लगा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि tan की cot की वैल्यू क्या है, और जो tan की होगी वो cot के अपोजिट होगी। तो देख लेते हैं, cos 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो यानी √3 आ रहा है। तो tan 30 की वैल्यू अगर आपके पास है, tan 30 की, तो 1/√3 रहेगी, और cot 30 की बात करेंगे तो आपको ये मिलेगी, cot 30 की बात करेंगे तो √3 मिलेगी, यानी कि दोनों वैल्यू आपके पास है, तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। देखें cot 30 का तो √3 का होल स्क्वायर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, प्लस cosec की बात करेंगे तो cosec में आपका कुछ नहीं है, ये सीधा का सीधा ऐसे ही रहने वाला है, प्लस tan की बात करेंगे तो 3 tan² π/6, यानी 30 की बात करेंगे tan 30, तो tan 30 का आपको वैल्यू मैंने बताया था
वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर। ओके ये वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करना है, ये तो रहेगा थ्री आपके पास। यहाँ देखिए कोसेक 30 या 30 साइन 30 का उल्टा होता है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 ये है ही है और 1/3 ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो 3 + 2 + 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हेंस प्रूव, इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है प्रूव। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर टेकिंग LHS, क्वेश्चन नंबर 4 टेकिंग LHS, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, पाई माइनस पाई बाई 4। ओके ये इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। ये है, हमें tan प्रूव करना है तो देख लेते हैं। इसे मैं लिखूंगा 2 साइन तो साइन ही रहने वाला है, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। देखें 2 इसकी वैल्यू देखें 1/√2 होती है, तो 2 का जब मैं इसे ओपन करूंगा रूट 2 को तो 2 आने वाला है, सेम प्रोसेस इधर होने वाला है, तो 1/√2 प्लस 2 sec 30 की वैल्यू देखेंगे। देखिए sec 30 की वैल्यू देखने के लिए हमें क्या करना होगा, 30 की वैल्यू देख लेनी है, cos sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos 60 की वैल्यू भी होगी √3/2। तो अब जब हम sec की बात कर रहे हैं तो sec 30 की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, 3/2 को आप लिख दीजिए 2/3, तो 2 की जगह पर आपका यहाँ 4 हो जाएगा। देखें देखिए एक sec है ना, sec 60 है, सॉरी sec 30 नहीं भाई 60 है, sec 60 है, तो sec 60 के लिए आपको cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का जब आप करेंगे उल्टा तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, यानी कि ये हमने सही किया है। तो देखें यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 1 + 8 जो है आपका आंसर इज 10 फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर रहेगा आपका 10 इस क्वेश्चन के लिए, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव, क्योंकि यही आपका राइट हैंड साइड, ओके यही आपका आर एच एस। चलिए नेक्स्ट क्लास, देखिए नेक्स्ट में देख लीजिए आपका क्या है क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए गए हों तो आपने दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, किस तरीके से इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, साइन देखिए 45 + 30 ऐसे लिखा जा सकता है, और इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है 10, यहाँ पर लिखा जाएगा इसे 45 - 30, यानी कि इस तरीके से दोनों तरीके से हमें लिख सकते हैं, तो माइनस के पॉइंट पर लिख सकते हैं प्लस के पॉइंट पर, बट हमें ये ध्यान रखना है कि रेशियो को उस डिवीजन में तोड़ना है जिसमें आपको उसकी वैल्यू मिल जाए, यानी क्या बताया 45 की वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है, यहाँ पर भी 45 की वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैं इसकी आइडेंटिटी देख लेता हूँ, आइडेंटिटी के लिए मुझे करना यह है कि इसका आइडेंटिटी होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका ये यह है, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इसका जो आइडेंटिटी होता है वो होता है साइन ए माइनस सॉरी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + 10a 10b 10a 10b, ये होता है आपका आइडेंटिटी। तो मैंने आइडेंटिटी में इनकी वैल्यू रखने वाला हूँ, देखें साइन 30 एंड सॉरी साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30। ओके तो देखते हैं साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 है ना, और cos 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके देखते हैं साइन 45 की वैल्यू हुई cos इसकी होती है √3/2 सॉरी यहाँ 3 आएगा, तो आप जब इस तरीके से हो जाएगा तो यहाँ पर LCM ले लीजिएगा, LCM लेने के बाद आपका जो वैल्यू मिलेगा वो 2√2 मिलेगा, और 2√ से ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका √3 मिलेगा प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा क्या 1। तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में देखें तो 10a यानी कि 45 होगा प्लस प्लस की जगह माइनस है तो माइनस आप यूज करिएगा यहाँ पर 10 30 यहाँ पर होगा, ओके ये वाली वैल्यू हो गई, आप देखें 10 45 है ना और 10 30 यहाँ होंगे दोनों के दोनों
बट यहाँ पर प्लस आएगा, ओके ये वैल्यू हो गई। अब मैं इनके वैल्यू लगा दे रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल यहाँ पर अपॉन में 1 प्लस और यहाँ पर आएगा 1 बाई रूट 3। तो एलसीएम लूंगा तो ये होगा 1 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3, तो कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस रूट 3, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर ये रहेगा, एक ये हो गया और एक आपके पास ये हो गया, ये रूट 3 है भाई, तो आंसर दे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस आइडेंटिटी से बिलोंग करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि cos a cos b cos a cos b माइनस sin a sin b बराबर होता है cos a प्लस b, ये होता है इसका। तो देख लीजिए, जब मैं इस आइडेंटिटी को इसमें रखूंगा तो मुझे मिलेगा, देखिए a का काम कर रहा है ये, b का काम कर रहा है ये। मैंने यहाँ क्या किया, इस वाली आइडेंटिटी को लिखा cos a, एक जगह पर हो गया पाई बाई फोर माइनस एक्स, ओके प्लस पाई बाई फोर माइनस वाई, ओके ये दोनों वैल्यू हो चुकी हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या होगा, cos ये वाली वैल्यू मैंने दोनों जोड़ दी तो आपका पाई बाई टू मिलने वाला है, माइनस यहाँ पर मिलेगा एक्स प्लस वाई, ओके। जब ये कंडीशन बनेगी तो आप इसे cos को लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा होता है, तो यही आपका आंसर है, इसे आर एच एस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, टेकिंग एल एच एस, सबसे पहले एल एच एस ले लिया, एल एच एस लेने के बाद मैंने क्या किया, देखें टेन ए पाई बाई फोर प्लस टेन बी, यानी मैं फॉर्मूला यहाँ डायरेक्टली लगा दिया है, वन माइनस टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, ओके। अब मैं नीचे वाली वैल्यू में लगाऊंगा टेन ए माइनस टेन बी, ओके वन प्लस टेन ए टेन बी। तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को देख लें, वन प्लस एक्स टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ये वैल्यू होगी। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 प्लस 10 एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर। तो यानी कि जो आपका राइट हैंड साइड है वो आपको मिल चुका है, यानी इसे ही राइट हैंड साइड कहेंगे, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है, cos pi y 5 प्लस एक्स दे रखा है, जब cos 5 प्लस एक्स दे रखा है यानी कि 180 प्लस थीटा दे रखा है, तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है cos माइनस, और यहाँ पर होगा cos माइनस थीटा होता है केवल ओनली फॉर cos थीटा, ओके ये हो गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको मिलने वाला है sin थीटा, क्या sin थीटा, बट यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है माइनस sin थीटा, क्या मिलने वाला है माइनस sin थीटा। तो ये ऐसे हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, तो ये होता है कॉट स्क्वायर एक्स और इसी के साथ आपका आर एच एस, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप आ जाइए, देखिए इसे कह सकते हैं 270 प्लस थीटा, तो कॉस 270 प्लस थीटा को हम कहेंगे साइन थीटा, क्या कहेंगे साइन थीटा, ओके। इसे देख लीजिए, कॉस 180 प्लस थीटा तो कॉस थीटा ही रहने वाला है, ओके। तो ब्रैकेट क्लोज के बाद आप यहां देखेंगे कॉट 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा तो ये टेन थीटा ही रहने वाला है, टेन एक्स हो जाएगा और प्लस का कॉट एक्स हो जाएगा, ये आपको वैल्यू मिलेगी। अब मैं यहां पर करने वाला ये हूं कि जो वैल्यू आपके पास है उसे ऐसे ही रखिए, इसे ब्रेक कर लीजिए, यानी कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ओके ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेने के बाद मुझे जो वैल्यू मिली है वो क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर होगा मेरा कॉस एक्स या साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स ये वैल्यू मिली, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर होगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू मिली। इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो आंसर बनेगा
वो रहेगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स और ये वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो यही आपका आरएचएस है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या है देखते हैं। साइन ए और साइन बी है ना, कॉस ए कॉस बी। तो देखो मैं एक आइडेंटिटी लिखा भी चला था कि कॉस ए कॉस बी है ना प्लस साइन ए साइन बी। आप इसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू होती है कॉस ए माइनस बी या ए माइनस बी की। जब इस वैल्यू को मैं लिखूंगा यहाँ पर तो कॉस ए की जगह पर उसने दिया है मुझे एन प्लस वन एक्स ब्रैकेट में ए ये हो गया, माइनस बी की बात करें तो एन प्लस टू एक्स ये वाली वैल्यू हो गई, बी ये हो गया। दोनों वैल्यू हमारे पास हो चुकी हैं। तो देखें कॉस ये होगा आपके पास एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस टू एक्स ये वैल्यू हुई। एन एक्स से एन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा कॉस एक्स और कॉस का जब मैं देखूंगा तो माइनस का एक्स, तो कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स ये। तो यही आपका आर एच एस है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है। इसी तरीके की एक्सरसाइज हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। आप इसी तरीके के सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलिएगा क्योंकि इस पर प्रीवियस सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।